दिखाते हैं हापुड़ की तस्वीर। हापुड़ में पीईटी का एग्जाम खत्म होने के बाद घर वापसी के लिए अभ्यर्थियों का सैलाब रेलवे स्टेशन पर उमड़ा। ट्रेन में चढ़ने के लिए छात्र छात्राएं अभ्यर्थी पटरियों पर भी उतर गए। ट्रेन आते ही हापुड़ रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी जैसे हालात हो गए। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीईटी का एग्जाम खत्म होने के बाद स्टेशन पर किस तरीके से अभ्यर्थियों की भीड़ नजर आई, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। घर वापसी के लिए अभ्यर्थियों का सैलाब रेलवे स्टेशन पर उमड़ा। ट्रेन में चढ़ने के लिए छात्र छात्राएं अभ्यर्थी पटरियों पर भी उतर गए। अब कितनी बड़ी है लापरवाही है, ऐसे में अगर कोई भी ट्रेन सामने से जा रही हो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और भीड़ से भी अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इतनी ज़्यादा भीड़ पीटी एग्जाम के बाद जब एग्जाम खत्म हुआ तो वो स्टेशन पर हापुड़ स्टेशन पर देखने को मिली है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे ट्रेन में किस तरीके से ट्रेन चल रही है, उसके बावजूद भी ये छात्र ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रेलवे पटरी पर अभ्यर्थी दौड़ने लगे ट्रेन में बैठने के लिए, सीट मिलने के लिए, और ये भगदड़ की तस्वीरें वहाँ से सामने आई हैं। लेकिन ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं हापुड़ में हरियाणा पुलिस के जवानों से मारपीट हो गई। हरियाणा पुलिस बदमाश को पकड़ने आई थी, इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों को पीटा। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के जवानों से मारपीट की गई है, ये मामला सामने आया है। हापुड़ से ही ये तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ हरियाणा पुलिस के जवानों से मारपीट भी की गई है। किस तरीके से भगदड़ वहां पर हुई है ये भी आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो निकल कर सामने आया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली में स्कूल बस में अजगर मिला है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। स्कूल प्रशासन ने वन विभाग को सूचना दे दी है। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अजगर को बस से निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि स्कूल की बस में यह अजगर मिला है। हालांकि वक्त रहते अजगर पर नजर पड़ी, उसे देखा गया और उसके बाद वन विभाग को फौरन सूचना दे दी गई। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अजगर को बस से निकाला गया। हालांकि बस से निकालने के लिए कड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक स्कूल की बस में अजगर मिलने का ये तस्वीरें सामने आई है। किस तरीके से वन विभाग के अधिकारी हैं अजगर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन गरिमत ये रही कि समय रहते इस अजगर पर नजर पड़ गई, वरना अगर बस में बच्चे मौजूद होते तो बड़ी घटना हो सकती थी। पंकज हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। कब वन विभाग को जानकारी दी गई, कितना वक्त लगा? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि रियान इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर, जिसकी बस थी वो बस कल रात में महाराजगंज गई थी, जहाँ पर ग्रामीणों ने इस अजगर के साथ छेड़छाड़ की थी और बस वही खड़ी थी। उसके बाद वो बस वहाँ से यहाँ पहुंची है। तो मॉर्निंग में सुबेरे जब ड्राइवर को इसको एक चीज देखा कि हाँ यहाँ पर अजगर है यहाँ पर, तो उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को और पुलिस प्रशासन को सूचना दिया। लगभग दोपहर के आसपास 12 बजे के आसपास सीओ सिटी वंदना सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट सहित जो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी थे वो मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद जो है उस अजगर को वहां से बाहर निकाला। लेकिन बता दूं क्योंकि विद्यालय आज बंद था, अगर आज ये विद्यालय अगर आज खुला होता और बच्चे इसमें होते तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। जिस तरह तस्वीरों में दिख रहा है कि जो अजगर है वो काफी बौखलाया हुआ है और मुंह अपना ऊपर करके बड़ा करके और वो काटने के लिए दौड़ रहा है, उस तरह से अगर बच्चे सीधे बैठते और ड्राइवर और जो क्लीनर है वो ध्यान ना देता तो बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि जो सीओ सिटी थी और जो सिटी मजिस्ट्रेट और के साथ पूरा यहाँ जो रेस्क्यू का जो टीम थी वो रेस्क्यू करके उसको काफी मशक्कत के बाद अजगर को बाहर निकाला गया और फॉरेस्ट की टीम उसको अपने कब्जे में लेकर उसको जंगल में छोड़ दिया। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। वही बस्ती में नदी में डूबने से बाल बाल विधायक अजय सिंह बचे हैं। एसडीएम गुलाब चंद्रा भी नदी में डूबने से बचे। नाव से राहत सामग्री बांटने के लिए विधायक जा रहे थे, हाई वाटर फ्लो की चपेट में आने की वजह से नाव में पानी भर गया। पास में टापू पर जाकर विधायक ने अपनी जान बचाई। तो देखिए बड़ी
जानकारी सामने आई है बस्ती से, जहां नदी में डूबने से बाल बाल बचे विधायक अजय सिंह। एसडीएम गुलाब चंद्रा भी नदी में डूबने से बचे। आपको बता दें, नाव से राहत सामग्री बांटने के लिए जा रहे थे, वाटर फ्लो काफी हाई था, जिसके बीच नाव में पानी भर गया और टापू पर जाकर विधायक ने जान बचाई। तो ये बड़ी जानकारी, नदी में डूबने से बाल बाल बचे हैं विधायक अजय सिंह। आपको बता दें, राहत सामग्री बांटने के लिए नाव में बैठे थे, इस दौरान हाई वाटर फ्लो होने की वजह से नाव में पानी भर गया। गनीमत रही कि नजदीक पर ही टापू था और उसके बाद जान बचाई गई। वहीं बलरामपुर में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। बारिश बंद होने के बाद भी बाढ़ के असर में कमी नहीं आई। बलरामपुर के करीब 200 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिला प्रशासन राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जिला प्रशासन हर दिन 7 से 8 हजार राहत पैकेट बांट रहा है, लेकिन ये राहत सभी लोगों तक नहीं पहुंच रही। बाढ़ की वजह से कई मकान गिर गए तो सैकड़ों घरों में पानी जमा है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि अब पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखिए, बाढ़ की वजह से कितना नुकसान पहुंचा, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पिछले दिनों लगातार अलग अलग जिलों में बारिश लगातार हुई, लेकिन बाढ़ के बाद जो हालात बने हैं उसकी भी तस्वीरें आप देख लीजिए। 200 गांव में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। धीरे धीरे हालांकि अब पानी कम होगा क्योंकि बारिश रुक गई है, तो ऐसे में कुछ राहत जरूर पहुंचेगी। राशन किट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है। तो इसमें हम पर डे करीबन 8-9 हज़ार राशन किट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की हमने योजना बनाई है। अभी तक हम करीबन 12 हज़ार राशन किट्स जो हैं फील्ड में भिजवा चुके हैं और वो वितरण कर हो रहा है उनका। इसके अलावा जो हमारे राशन किट्स पहले बाहर से आ रहे थे, अब हमने यहीं पर सप्लायर को बुला करके यहीं उनको राशन किट को बनवाना भी शुरू कर दिया है, सो दैट की जो हमारा डिलीवरी है राशन किट्स का वो तीव्र गति से हो और लोगों को जो आपदा से प्रभावित हैं उन सबको तुरंत लाभ पहुंचे। आगे बढ़ते बदायूं में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कमिश्नर, बरेली जोन डीएम और एसपी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और बाढ़ राहत में जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए, तस्वीरें भी अब हम आपको दो दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किस तरीके से किया गया है, व्यवस्थाओं का निरीक्षण लिया गया है। कमिश्नर बरेली जोन ने दौरा किया है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बाढ़ बारिश के बाद कई जगहों पर हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए, जिसके बाद ये दौरा किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण लिया गया है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और अब खबर औरैया से, जहां के बिधुना क्षेत्र में स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगी। आग ने देखते ही विकराल रूप ले लिया और आसपास के बगल की दुकानों को भी बंद कर दुकानदारों ने अफरा तफरी हो गई। वहीं आग लगने की सूचना दुकानदारों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक दुकान में आग लगी, और जैसे ही एक दुकान में आग लगने की तस्वीर सामने आई, आग बढ़ती रही। उसके बाद आसपास के जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया और अफरा तफरी की स्थिति वहां पर हो गई। नशे से मैं अपने बेटे को खुद नहीं बचा पाया, ये बयान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दिया। कानपुर देहात में डिजिटल बैंकिंग यूनिट के उद्घाटन पर कौशल किशोर ने लोगों से अपील की कि वो नशे से दूर रहें और अपने बच्चों का भी खास ख्याल रखें। कौशल किशोर ने कहा कि मेरी पत्नी विधायक हैं और मैं सांसद, लेकिन नशे के आदि बेटे को हम लोग नहीं बचा पाए। नशा बेचने वाले कस्टमर बनाते हैं, इसलिए आप नशे का कस्टमर बनने से बचें। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हर बैंक में डिजिटल बैंकिंग शुरू, उसके लिए आज आजादी के अमृत महोत्सव के देश के अंदर 75 जनपदों में डिजिटल बैंकिंग शुरू की है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4 जनपदों को चुना है। झांसी है, आपका कानपुर देहात में अकबरपुर है और लखनऊ है और बनारस है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की यहां पर काम शुरू की गई है, जिसमें 24 घंटे एक पार्ट में डिजिटल लेन देन रहेगा और वर्किंग आवर जो रहेगा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, उस पीरियड में जो लोग डिजिटल
बैंकिंग कैसे की जाएगी, लेन देन कैसे शुरू किया जाएगा, उसको सीखना चाहेंगे तो उनको सीखने के लिए बुकिंग आवेदन किया जाएगा। वहीं लखनऊ में भाजपा के पसमांदा सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो सुनवाते हैं आपको। हम सब जानते हैं हमारी जिम्मेदारी है मेरे पसमांदा समाज के भाइयों तथा बहनों की अपने आने वाली पीढ़ी को हम उच्च कोटि की तालीम प्रदान करेंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, उसके अच्छे रहने के लिए मकान देंगे, उसको अच्छी नौकरियां देंगे, उसको समाज में जीवन जीने लायक हर अवसर प्रदान करने का काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जब मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक आरक्षण की बात आती है तो आपके हक को कौन खा करके चला जाता है, वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आपका कोटा अलग से तय नहीं है। अल्पसंख्यक समाज को इकट्ठा होकर के जो ऊपर का क्रीम है, जिसे दूध में साड़ी पड़ती है ना, जो गांव वाले जानते होंगे, गांव में शहर में दूध में जो मलाई पड़ती ऊपर को, मलाई आपका कोटा चट कर जाती है, कर जाती कि नहीं कर जाती, और नीचे वही खोजता रह जाता है। तो आपको अब नहीं, बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। एक एक शख्स को इकट्ठा होकर के अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है, और अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ मेरी जिम्मेदारी है, जितने भी पसमांदा समाज के भाई बहन बैठे हैं, ब्रजेश पाठक आपका सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का काम करेगा, कभी मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, अभी ढेर सारे वक्ता बाकी हैं। मैं पुनः अपने मंचस्थ सभी नेताओं का, दूर देश से आए हुए सभी नेताओं का, कश्मीर से आए हुए अपने भाईजान का, सामने बैठी अपनी निखत बहन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एटा पहुंचे, जहां उन्होंने मलावन में तापिया परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव जिताने के लिए एटा की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से एटा के विकास को अलग दशा और दिशा मिलेगी। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। हम लोगों ने यहाँ के थर्मल पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहाँ लग रहा है। एटा की एक पहचान, कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। ये भारत की प्रगति की एक नई कथा कहती है। विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे का निर्माण, पावर प्लांट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है, जो विकास की गति को एक नई तीव्रता प्रदान करता है। वहीं सीएम योगी ने आज एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के टीचिंग अस्पताल भवन का निरीक्षण किया, जिसके बाद प्रबुद्ध जनों के साथ सीएम ने बैठक भी की। अब देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे टीचिंग अस्पताल का, जब मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे तो उस दौरान की पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर प्रबुद्ध जनों के साथ एक बड़ी बैठक हुई है, बैठक के दौरान की दूसरी तस्वीर। आगे बढ़ते सहारनपुर से अगली खबर, जहां धार्मिक कार्यक्रम में साध्वी प्राची का विवादित बयान सामने आया। देवबंद के मदरसों को बताया आतंकवाद की पाठशाला, मदरसे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, साध्वी प्राची का ये कहना है, इसलिए मदरसों का सर्वे कराया गया है। देवबंद में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोग पकड़े जाते हैं, ये बात साध्वी प्राची की ओर से कही गई है।
ये विवादित बयान धार्मिक कार्यक्रम में साध्वी प्राची ने दिया है, जिसमें उनका कहना था कि मदरसों का सर्वे होना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि आतंकवाद की पाठशाला वहां से चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो मदरसों के ऊपर सर्वे कराया है वो इसीलिए कराया है क्योंकि ज्यादातर वो मदरसे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए और विशेषकर देवबंद के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में वैसे बहुत सारे अवैध मदरसे जो चल रहे हैं उनका सर्वे करना बहुत जरूरी था। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।